Thank you. वो भी फाइनल लेवल पे और गुड मॉर्निंग सर ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग पक्का स्टार्ट करें क्या कैमरा एक्शन तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज द मेजर पोर्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स ओके सर सर सबसे पहला पॉइंट सबसे पहली बात दिस इज द फुल कोर्स बैच क्लियर एवरीथिंग विल बी कवर्ड राइट फ्रॉम द स्क्रैच

तो यार सबसे पहली बात इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा तो नहीं आप पहली बार पढ़ रहे हो आवाज नहीं आ रही यार ऐसा तो नहीं है पहली बार पढ़ रहे हो सर डाउट है सेल्फ डाउट सर <laughs> इंटर के अंदर पढ़ा तो होगा आपने यार ऐसा नहीं देखो यार झूठ नहीं बोलेगा अच्छा ऑफिस में तो काम किए होंगे आपने डेफिनेटली तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंटर में आपने याद आपने पढ़ा है वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं है सर इतनी शांति गई तो सर मैंने एक्सपेक्ट ये किया है कि आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई करी है वो आपको याद नहीं है ओके okay? सर हमको सब कुछ पढ़ना है और अभी पढ़ना है बात खत्म ओके okay, मालिक क्लियर तो शुरू करें क्या पक्का yes, पका ओके yes, okay, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स ये लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी नहीं आता है सर क्लियर पक्का चलिए वहां से हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से एंड सर हर एक चीज जो हम यह बात करेंगे यू हैव टू इन्वॉल्व ठीक है आपको बात करनी है मेरे से एंड आपको आंसर्स करना है आप और मैं मिलके बात करेंगे जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं सर आप भी ध्यान रखना आप और हम दोनों बात कर रहे हैं आपके लिए तो सर आप और मैं ही बैठे हैं ओके पर सर बात करनी है आप सबको ओके तो सर सबसे पहली बात इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा यार आप मुझे बताओ आपने अच्छा मेरे को जानते हो ना सर पक्का इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ता हूँ यशवंत अरे पक्का ठीक है सर ओके ग्रेट इन टैक्स क्या होता है इंडायरेक्ट टैक्स ब्राइट फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल बेसिक अच्छा हो सकता है नेक्स्ट हाफ एन आवर वन आवर जो मैं पढ़ाने वाला हूं जो मैं बात करने वाला हूं हो सकता है आपको आता हो देख आपको आना और उसको बुक से लिंक करना क्लियर बहुत बड़ा गैप आया था कभी कभी सो so, अपने को ये मानना है हम सब कुछ सब चीजें हम पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना है बात करना है सर ओके okay? चलिए सर इंडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बहुत बेसिक आंसर चाहिए मेरे को बुक का आंसर नहीं चाहिए यस सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडरेक्ट टैक्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेस वाईट इज इंडक्ट टैक्स ये सर परफेक्ट सर इट इज लेविड ऑन सवन एल्स एंड इट इज पेड ऑन पेड बायन एल्स मतलब एक एग्जाम्पल कोई कोई एग्जाम्पल जी एस टी हा मैकडोनल्ड गए बर्गर परचेज किया तो सुबह सुबह भुक लगवा रहा है बैठा सर डोमिनोज गए पिज्जा लेके आए हाँ आगे जीएसटी आपने पे किया यस ओके जीएसटी जो आपने एज ए कस्टमर पे किया मैगडी को वो उसने क्या किया गवर्नमेंट को पे किया सो so, अल्टीमेटली गया किसकी पॉकेट से हमारी पॉकेट से लिया किसने अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या डायरेक्टली लिया क्या आपसे थ्रू समी एल्स लिया है लिया आपसे ये क्लियर सर अगर डायरेक्टली आपसे ले रहे तो वो क्या है डायरेक्ट टैक्स पर लिया आपसे ये पर

क्लियर जो शर्ट परचेस किया जो टी शर्ट अपने परचेस किया कपड़े परचेज किए उन सब पे आपने पे आपने जीएसटी किया पर अल्टीमेटली पे गवर्नमेंट को हुआ है अरे हायना मालिक क्लियर दिया आपने पर सर दिया हम सब लोगों ने टैक्स पर सर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया क्लियर टैक्स लेने वाला कौन टैक्स लेने वाला कौन अल्टीमेटली गवर्नमेंट अरे नो पक्का सर यार इनकम टैक्स इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स डाउट no. पक्का ना हाँ। इनकम टैक्स इज ओके okay. पक्का तो सर ये क्यों डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आपकी इनकम आपसे टैक्स यस yes नो? No. अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम हो या नहीं हो आप मैं सप्लायर हूं आप रेसिपेंट है तो सर मैं आपसे टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा यस yes नो no, सर इट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज परफेक्टली पक्का बच्चों अच्छा यार एक चीज बताओ ये सब ठीक है यार अभी पढ़ लेंगे इंडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो अल्टीमेटली टैक्सेस क्या होते हैं चलिए इट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट और कोई आइडिया टैक्सेस आर दी टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है साहब परफेक्ट रेवेन्यू ऑफ द अच्छा गला केवल मेरा खराब नहीं होगा आपका भी खराब करूंगा मैं रेवेन्यू ऑफ दी ओहो माहौल रेवेन्यू ऑफ दी ओके ये गवर्नमेंट कौन होता है यार हाँ जी अब की बार मोदी सरकार तो ही है चार सौ पार सर हु इज द गवर्नमेंट यस सर कौन है गवर्नमेंट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सरकार कौन है सरकार मोदी जी अमित शाह बहुत मिल गए तो मतलब सरकार बन गई ओके यस सर हु इज़ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये तो एक दो अलग अलग, अलग बॉडी बनाई पर है क्या आखिर ये हु इज़ कलेक्टिंग द टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट बनाई गई है बना किसके लिए टैक्स लेने के लिए सा सर हमको तो ऐसा लगता है सर बाकी काम तो हम खुद कर लेते हैं सर यस सर यस और और सोचिए आप समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक गुड यस और गवर्नमेंट हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री लास्ट दस पंद्रह साल से लग रहा है ऐसा सर ऑथॉरिटी टू मॉनिटर द पीपल यस गुड तो सर एक काम करते हैं ये सारे आंसर सही है कोई गलत नहीं है आप मुझे एक चीज बताओ इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन के थ्रू बनती है या कोई प्रेसिडेंशियल रूल बनता है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया है करना है, मतलब करना है ऐसा कुछ है क्या क्लियर इंडिया इज अः मजा आया इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वट डू तो मीन बाय डेमोक्रेसी हाँ जो आपको याद है बोलो 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 फोर दीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल मतलब जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ओके सर फोर दीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा मतलब मतलब गवर्नमेंट कौन चलाएगा हम क्या क्या वापस बोलना गवर्नमेंट कौन चलाएगा पीपल मतलब चलो एक चीज बताओ हुए बताया कौन है गवर्नमेंट वट डू मीन बाय डेमोक्रेसी जनता ही करेगी जनता के लिए करेगी अरे हाँ ना भाई क्लियर पर सर आप मुझे बता, बताओ लगभग लगभग 144 करोड़ पब्लिक है देश में अरे हाँ ना भाई क्लियर सर अभी आपने बोला गवर्नमेंट कौन है जो देश चलाता है देश को मॉनिटर करता है हम 140 करोड़ 144 करोड़ पब्लिक देश को चलाएंगे कैसे चलाएंगे भाई सर अगर 144 करोड़ लोग एक साथ अगर देश चलाएंगे तो कोई रूल बनाएंगे कोई एक्ट बनाएंगे कोई कानून बनाएंगे भाई अरे हाँ ना भाई अब कानून बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर सबके लिए कॉमन होगा वो एक्ट यस या नो कैसे बनेगा वो सर इसलिए 144 करोड़ लोग एक साथ खड़े का होंगे यार अरे या नो इकट्ठा कैसे होंगे इसलिए हम लोगों ने क्या किया हमारे ही बीच में से जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोग थे अरे हंस क्या रहे होए? अरे यार, हो <laughs> यार इसलिए हमने क्या किया हमारे ही बीच में से जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोग थे उनको हमने क्या किया हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के हमने उनको इलेक्ट किया और किसी एक एरिया से नहीं देश के हर पार्ट से फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हमने क्या किया उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया उस एरिया के लोगों ने इलेक्ट किया जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई अंधेरी किया बेटा हाँ ना भाई क्लियर तो सर ऐसे ही हर एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया और अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो सारे लोग कौन है हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर सर हमने उनको इलेक्ट किया मतलब उस एरिया के लोगों ने बोला कि ये अगर बोलेंगे तो मतलब हम बोल रहे हैं अरे हाँ ना भाई बहुत बेसिक से पढ़ो आप अरे ऐसे नो क्लियर एंड सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली दे दे पार्लियामेंट पार्लियामेंट अरे हाँ ना भाई क्लियर मतलब अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है एंड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट देयर इट देस पूरा देश वहां बैठा है इट इटमीन्स पूरा देश वहां बैठा है अगर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है अरे हाँ है ना भाई पक्का हंड्रेड परसेंट अरे ऐसे नो तो अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट कौन हम गवर्नमेंट कौन ऐसे गवर्नमेंट कौन हम ऐसा गवर्नमेंट कौन हाँ देश कौन चलाएगा ऐसे सर थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव यस एक्चुअली देश कौन चलाएगा हम चलाएंगे कोई राजा नहीं है यहां पे कि उसने बोल दिया कि ये करना है प्रजा आप करो ऐसा नहीं है क्लियर सर इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर इलेक्शन के थ्रू हम सब लोग मिलके देश चलाएंगे यार एंड नो तो गवर्नमेंट कौन मतलब जितने भी एक्ट है जितने भी कानून बने देश के अंदर वो किसने बनाए किसने बनाए किसके लिए बनाए तो आप मुझे बताओ क्या वो इलॉजिकल होंगे सोचो आप नो क्लियर समझा मेरी बात सर हर एक सेक्शन उसमें हर एक एक्सप्लेनेशन हर एक प्रोवाइजो सब सेक्शन क्लोज ब्ला ये सारी चीजें हमने लिखी है सोच समझ के लिखी हमारे लिए लिखी है सर क्लियर डेफिनेटली ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ गॉट इट्स ऑन सेंस इट्स नॉट नॉन सेंस क्लियर इसलिए हमको हर एक वर्ड समझना है वो लॉजिकल है सर क्लियर और अगर हम समझ गए तो देश की जनता को हम समझा पाएंगे आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल यस या नो पक्का हंड्रेड परसेंट तो सबसे पहला पॉइंट क्या है गवर्नमेंट कौन पक्का बच्चों क्लियर ओके okay. तो सर गवर्नमेंट अब आपने बोल दिया गवर्नमेंट हम हम सबने बात करी भी देश कौन चलाएगा हम चलाएंगे क्लियर सारे एक्ट कौन बनाएगा हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे यस yes, बोलिए कैसे बनाएंगे सर थ्रू थ्रू पार्लियामेंट अरे यस एंड नो yes, तो सर जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है जितने भी गवर्नमेंट के पावर से ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स ऑल पावर्स आर मतलब पार्लियामेंट बोलेगी वो होगा कोई नेता बोलेगा वो नहीं होगा समझ रहे मेरी बात आप आप भी देखना हर साल जब फाइनेंस बिल आता है वो एक्ट बन जाता है क्या पहले क्या होता है वो बिल होता है दैट इज अ प्रपोजल हा ना भाई क्लियर अ प्रपोजल उसको क्या करते हैं पार्लियामेंट में पेश करते हैं दे प्रेजेंट इन पार्लियामेंट फिर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड लोकसभा उससे वो पास होता है मेजोरिटी से उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उसके बाद वो क्या बनता है एक्ट बनता है और केवल मैं फाइनेंस बिल की बात नहीं कर रहा हूं कोई भी एक्ट हो कोई भी कानून हो ऐसे ही बनता है अरे हाँ ना भाई चलिए वापस बोलना अच्छा आप मेरे साथ थोड़ा जोश में एकदम आप मुझे बताओ सर गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट के सारे पावर कौन से पावर पा, अरे पक्का हंड्रेड परसेंट ओके तो सर आ, जो वीडियो क्लासेस में उनके लिए करूंगा तो उनको स्क्रीन तरह है और जो यहां बैठे हैं उनके लिए स्क्रीन है ओके सर सुनो ध्यान से <coughs> तो पॉइंट ये <यह> है सर ओके ओके तो सर यार गवर्नमेंट के सारे पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स इट मींस इट मींस एक्ट कौन बनाएगा हम बनाएंगे थ्रू थ्रू पार्लियामेंट एक्ट में कुछ चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे थ्रू नया एक्ट लाना है कौन लाएगा जल्दी बोलो हम कैसे पार्लियामेंट डायरेक्ट पार्लियामेंट मत करेंगे अच्छा नया एक्ट बनाना है कौन बनाएगा पार्लियामेंट नया असर कोई पुराना लॉ है जो हटाना है कौन हटाएगा कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा पक्का बिना पार्लियामेंट ना हो पाएगा यस या नो चलिए एक बात कर लेते हैं मस्त वाली मतलब ये कंफर्म हो गया कि कोई एक्ट में कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है चेंज करना है नया एक्ट लेकर पुराना लॉ हटाना है कौन हटाएगा सर कौन हटाएगा सर पार्लियामेंट ओके मालिक मान लो अच्छा मैं जब भी बोलता हूँ ना मान लो तो आपको बोलना है, मान लिया ओके मान लो बहुत बढ़िया सर भारी अभी जमेगा धीरे धीरे माहौल अभी रुको फिर थोड़ा टाइम में तो मेरे को रोकना पड़ेगा रुक जाओ आप थोड़ी देर सर मी अभी आपने बात कर ली कि जितने भी एक्ट बनने हैं, जितने भी लॉज बनने हैं, सब कौन बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगा चेंज करना है कौन करेगा पार्लियामेंट चेंज करेगा मालिक ओके okay. सर पता है आपको देश का लगभग लगभग 90 परसेंट शुगर कहाँ स्टोर होता है पता है आपको कोई आइडिया मुंबई नहीं पता आपको कोई चीज अगर आपको नहीं पता ना बेटा तो बताने बहुत ईजी होता है मेरे लिए सर वैसे ऐसा नहीं है पर एग्जाम्पल के लिए समझना देने से मान लो देश का लगभग लगभग 90 परसेंट शुगर स्टोर होता है कहा मुंबई में और मान लो मुंबई में इतनी बारिश आई सब तरफ पानी ही पानी और सर जहां शुगर स्टोर था वहां भी इतना पानी पहुंच गया कि सर शक्कर पिघल गई लोगों के दिल पिघले ना पिघले है ना बेटा सर शक्कर जरूर पिघल गई अब सोचिए लगभग लगभग 90% परसेंट शुगर खराब एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं मैं सर सोचना आप देश का लगभग लगभग 90% परसेंट शक्कर खराब हो गया साहब विच इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी रोज चाहिए हर थोड़ी देर में चाहिए और सबको चाहिए हाँ ना मलिक? अब क्या करेंगे सर सोचिए देश का लगभग लगभग सारा शक्कर खराब हो गया नया शक्कर बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा या मोदी जी बोल देंगे मित्रों मेरे प्यारे देशवासी देशवासी हो, देश हो। हमारे देश में बड़ी एक आपदा आ गई है किसानों जिम्मेदारी आप पर है कल जाइए अपने फार्म पे शुगर के प्रोड्यूस करिए और परसों फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री वालों शक्कर बना के बाहर दीजिए ऐसा इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर यार इट विल टेक इट्स ओन टाइम तो सर आप सोचो नया प्रोडक्शन जब होगा तब तक टाइम लगेगा सर रहा है ना मालिक yes. और सर तब तक क्या शुगर फ्री <laughs> हाँ जी सोचो आप सोचो शक्कर जैसी गुड्स डिमांड तो उतनी उतनी है सप्लाई एकदम कम हो जाए क्या होगा <laughs> प्राइसेस हाइक हो जाएगी सर इन्फ्लेशन हो जाएगा हाँ है ना भाई राहुल बाबत कह देंगे कि मोदी जी ने ही शक्कर खराब करी है पूरी इन्फ्लेशन के कारण ही वही है अरे हा है ना भाई क्या करें आप सोचो इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा सर आप सोचिए शक्कर जैसे गुड्स का प्राइस अगर इतना बढ़ गया तो इकोनॉमी का क्या होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए हम सबको मिलकर क्या डिजीजन लेना चाहिए क्या करना चाहिए उस टाइम उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस मोमेंट पर देश में शक्कर खराब हो गई है नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा वॉट वी शुड डू

कम करने के लिए कौन करेगा सर गवर्नमेंट थ्रू अब पार्लियामेंट का सेशन क्या पता था क्या बारिश होने वाली है फटाफट कर लेते पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है पंद्रह दिन पहले खत्म हुआ सर सोचो आप फिफ्टीन डेज पहले ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है अगला सेशन लगभग दो ढाई महीने बाद आएगा सर तब तक क्या अमेंडमेंट करने का वेट करेंगे आप समझ रहे मेरी बात आप क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है पार्लियामेंट अब ऐसा अगर सिचुएशन हो गया ऐसा अगर सिचुएशन हो गया आप बताइए मुझे अमेंडमेंट होना नहीं होना होना चाहिए 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 नहीं नहीं सर आवाज आ रही इसलिए हमने सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बनाया कस्टम्स एक्ट में और वहां हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पावर दिया अच्छा सारे एक्ट बनाया किसने सर हमने थ्रू पार्लियामेंट क्लियर हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि सर बिना सेंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आप डायरेक्ट अमेंडमेंट करके किसी भी गुड्स या सर्विस पर एक्सिमशन दे सकते हो अगर कस्टम की बात करें सेक्शन नंबर में लिखा है कि एनी ऑफ द द गुड्स कैन बी डायरेक्टली बाय बाय गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर इन पब्लिक इंटरेस्ट है ना हमने इलेवन बनाया सी जी एस टी एक्ट में हमने सेक्शन नंबर सिक्स बनाया आई जी एस टी एक्ट में आपने भी सर कई बार कई सारे एक्ट पढ़े होंगे वह हर बार देखा कई सा, कई सारी जगह देखा होगा गवर्नमेंट हैज द पावर बोर्ड हैज द पावर पढ़ा होगा ना सर आपने अरे पढ़ा होगा ना सर आपने क्लियर वाह वो पावर हमने दिया है पर हर सेक्शन में पावर नहीं दिया है सारे सेक्शन में आप ये नहीं पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट हैज़ द पावर क्लियर कुछ सेक्शन में हमने क्या किया गवर्नमेंट डायरेक्ट पावर दे दिया हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दिया क्या कर दिया मालिक उनको बोलते हैं क्या डेलीगेटेड पावर्स कुछ पावर्स हमने डेलीगेट कर दिए गवर्नमेंट को कि बिना पार्लियामेंट के ही आप क्या कर सकते हो नोटिफिकेशन या ऑर्डर वगैरह इश्यू करके अमेंडमेंट्स कर सकते हो दिस इज व्हाट इज गिवन बाय ऑल ऑफ अस थ्रू पार्लियामेंट हाँ है ना मलिक क्लियर सर आपने भी कई सारे एक्ट पढ़ेंगे पढ़े होंगे उसमें देखा होगा ना बोर्ड हैज द पावर इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो दिखा होगा सीबीडीटी हैज द पावर और हाँ ना भाई यह हड़ेंगे सीबीआई इज द पावर या हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एज द पावर क्लियर वहां पे सारे सेक्शन पावर नहीं दिया कुछ सेक्शन हमने पावर दे दिया सेक्शन ट्वेंटी फाइव बनाया कस्टम्स एक्ट में सेक्शन नंबर इलेवन बनाया सी जी एस टी एक्ट में सेक्शन नंबर सिक्स बनाया आई जी एस टी एक्ट में और बोल दिया गवर्नमेंट एज द पावर टू ग्रांट एग्जिमशन टू एनी ऑफ द गुड्स इस तरह की सिचुएशन कभी होती है तो डायरेक्ट एक्जिमशन दे सर वो गुड्स या सर्विस को क्या कर सकते हैं एग्जिम कर सकते हैं अरे हाँ या ना सर अरे क्लियर तो सर ये पावर किसने दिया हमने क्लियर अच्छा अब क्या होता है डेलीगेटेड पावर के थ्रू नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं क्या इशू होते हैं बेटा नोटिफिकेशन एंड सर जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन सेशन आएगा उस पार्लियामेंट्री में इसको प्रेजेंट करते हैं लोग कि ये नोटिफिकेशन हमने किए अगर कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो इस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद अगर उसको विदड्रो करना है कि उसको कंटिन्यू रखना है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है सर हाँ है ना भाई अरे क्लियर है मालिक पक्का डन तो सर अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें करने का मतलब क्या था सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से भाई एज पर दॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट मैंने आपको क्यों सिखाया क्यों पढ़ाया हमने एज पर दॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट जो मंथ ऑफ एग्जाम होता है आपका उसे सिक्स मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स अगर आपके एग्जाम्स नवंबर मंथ में है मींस अप्रैल मंथ तक के अमेंडमेंट्स आर एलेवन फॉर योर एग्जाम्स सर थर्टीथ अप्रैल तक के जो एप्लीकेबल हो गए भाई प्रपोज किया इसका मतलब कि एक्सेप्ट हो गया क्या मतलब मैं एक्ट की बात कर भाई, सोच सर, रहा हूं आपके सर सुनना समझ रहा ना मेरी बात तू क्लियर है सर <laughs> बिल तो केवल प्रपोजल होता है सर सो द थिंग विच हैज बीन मेड एप्लीकेबल टिल थर्टी अप्रैल विल बी रेलेवेंट फॉर नवंबर एग्जाम्स मई में अगर एग्जाम्स है तो सर टिल थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स भाई

फिर भी अमेंडमेंट कैसे होते बच्चों जल्दी बताओ बता चुका हूं मैं आपको थ्रू डेलीगेटेड पावर्स क्लियर वो सब हम कवर करेंगे यू वरी फॉर योर फॉर योर एग्जाम्स ओके मालिक पक्का हंड्रेड परसेंट डन तो सर गवर्नमेंट कौन आवाज नहीं आ रही कौन? एक बार आपने कुछ बोला था यार ये टैक्सेस क्या होते बेटा इट इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन टैक्स पे कौन करता है किसको गवर्नमेंट कौन ओ <laughs> oh, 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 oh. <laughs> क्या बात कर रहे हो सर अब तक तो लग रहा था कि टैक्स हम को ले आ रहा है हम पता बड़ा टैक्स तो हमसे हम ही ले आ रहे हैं यस yes. टैक्स आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड हु गवर्नमेंट टैक्स कौन पे कर रहा किसको पे कर रहे खुद को सर क्यों रोड सर आप समझ ना रोड पुलिस आर्मी सिक्योरिटी सर सब जनरल यूज की चीजें हैं जनरल इंफ्रा डेवलपमेंट ये सब की किसमें काम आ रहा सब का है सबके लिए काम आ रहा है सर अब अकेले के लिए सर आप रोड बना नहीं सकते सर अकेले के लिए सर आप एयरपोर्ट खोल नहीं सकते जेके सर की बात अलग है सर सुनना <coughs> आप समझना ध्यान से तो हम सब ने मिलकर क्या किया हम सब सबके लिए कॉमनली है क्या? रोड रही है, बनवा दी हम सबके लिए कॉमनली क्या काम आ रहा है रेलवे बनवा दी सर अरे हाँ ना फंड कहाँ से आएगा भाई? फंड से आएगा? हम सब ने म्यूचुअली क्या किया है उसको कलेक्ट किया है इट्स ऑफ कॉन्ट्री पर कौन कितना कॉन्ट्री करेगा ये अगर डिसाइड नहीं किया ना तो कोई तो सेठ ग्यारह रुपए दे रहा है एक सौ एक रुपए चल गया देश बेटा ऐसे सर इसलिए हमने क्या किया एक्ट बनाए हम सब के लिए बनाए और बोला कि यह परसेंट इतना टैक्स देगा यह परसेंट टैक्स देगा इस गुड्स पे इतना लगेगा इस गुड्स पे इतना लगेगा बात खत्म अरे हाय ना सर पक्का हंड्रेड परसेंट तो जल्दी बताओ गवर्नमेंट कौन अब सर टैक्सेस किसने बनाए हमने ही बनाया इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया सर क्लियर जीएसटी किसने बनाया हमने बनाया कस्टम किसने बनाया हमने बनाया सो ऑल दिस थिंग्स आर लॉजिकल और हंड्रेड परसेंट लॉजिक के साथ हम यहाँ बात करने वाले हैं सर अरे यस एनो तो सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि हाँ सर चीज़ें लॉजिकल तो होगी ही सर ऐसा लगता है आपकी बात सुन के पर सर सर पढ़ते ना तब ऐसा लगता नहीं है सर हमको अरे हाँ है ना चलिए एक एग्जाम्पल हैं सर कि मैंने लास्ट हाफ एन आवर जो आपके सामने ये बातें करी है इसका कोई सेंस भी बनता है कि केवल टाइम पास किया देख लेते सर एक एग्जाम्पल देता हूँ सर इंटर टैक्स अभी शुरू करेंगे सर यू टेल मी या मैं बताता हूँ सर आप यू यू डोंट टेल मी आई टेल यू सर मैंने आजम से लिया ना आपको कुछ नहीं आता सर पता है अगर कभी एस एस टैक्स पेयर टैक्स पे करने में लेट हो गया इफ ही डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होगा भाई फांसी उड़ा देंगे नहीं ही विल पे द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड देखो सर ये गलत बात है पेनल्टी लगता है ऑफेंस करने पर क्लियर लेट करने पे क्या लगता है बेटा इंटरेस्ट बैंक से लोन लेके आए क्या लगता है इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओके हां ठीक है अगर पेमेंट डिले करना इज एन ऑफेंस तो पेनल्टी भी लग जाएगी सर क्लियर अदरवाइज डिले के लिए क्या लगता है हमेशा इंटरेस्ट ओके एंड यू नो इफ द असेसी डिले इज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन इनडायरेक्ट टैक्स इन जीएसटी यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 परसेंट पर एन एम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज दस दिन लेट तो दस दिन का इंटरेस्ट डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इंटू एटीन परसेंट हा है ना भाई क्लियर और पता है अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड रिफंड देने में गवर्नमेंट लेट करती है इफ द गवर्नमेंट डिले इज इन मेकिंग द पेमेंट टू दस एस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंड विच इज बिंग क्लेम्ड बाय हिम सर पता है क्या होगा गवर्नमेंट देगा इंटरेस्ट और यस ए नो एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सर सिक्स परसेंट पर नम कितना बेटा सिक्स परसेंट पर नम वो भी सिंपल इंटरेस्ट और वो भी कब गवर्नमेंट को वक्त दिया सिक्सटी डेज का सिक्स जीरो कि एस ने जब रिफंड के लिए अप्लाई किया जीएसटी की बात करूं आपसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि अगर एस ने अप्लाई किया है वैलिड एप्लीकेशन है और सर सिक्सटी डेज हो गए और उसने अगर पे नहीं किया गवर्नमेंट अगर पे नहीं किया तो सर सिक्सटी फर्स्ट डे से कब से भाई सिक्सटी फर्स्ट डे से गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ और हमारे लिए एक दिन भी लेट हो गए जैसे जीएसटी पे करने का ड्यू डेट क्या है ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा मंथली पे करना होता है एग्जाम्पल ले लो अब तो एक दिन भी लेट हो गए तो ट्वेंटी फर्स्ट से क्या लग जाएगा भाई इंटरेस्ट नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट वो भी कितना एटीन और खुद के लिए वो भी सिक्स सिक्सटी डेज के बाद भी कितना सिक्स और हमारे लिए नालायक अरे हाँ है ना भाई अरे ऐसे नो बार बार बोल जाता तो हूं वीडियो क्लास के लिए ऐसे करना पड़ता है मेरे को और आपके लिए दोनों के लिए ऐसे ओके okay? अरे चलेगा सर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एसएससी एसएससी के लिए कितना है भाई और गवर्नमेंट के लिए सही हो रहा है क्या यार रही है गलत हो रहा है तू तो? तो क्या करे चलिए अपनों लग रहा है गलत हो रहा है सर ये हाँ हाँ अमेंडमेंट करिए क्या करें भाई अमेंडमेंट करेंगे क्या करेंगे सर 18 को कितना कर देना चाहिए बेटा या तो इस एटीन को भी सिक्स कर दो या इसको भी अरे हाँ है ना सर अरे पक्का चलिए डिस्कस कर लेते सर अगर एसिक सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया तो क्या होगा सोचे देखो आप सर अगर आपने कभी किसी एस ने किसी बैंक से लोन के लिए अगर अप्लाई किया है अब नहीं वो क्रोमा हटाना पड़ेगा आपको स्क्रीन से कुछ नहीं अब स्क्रीन से करो आप एक बार स्क्रीन से करो। नहीं, नहीं उधर आओ वापस से। नहीं हाँ वो लैपटॉप से सेलेक्ट करके उसमें क्रोमा डाल दो बस हाँ क्रोमा वाले बटन हम्म डन 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 तो सर क्या करें हमारे लिए सोचिए अगर सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया अगर कोई बैंक से लोन लेने गया है अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से बिजनेस के लिए लोन लेने गया यू नो इज रेट ऑफ इंटरेस्ट सर जनरल देखे अगर हम जनरल बिजनेस के लिए इट इज अराउंड 12 टू 15 16 सिक्सटीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए बच्चे एक्सेप्शन केस में ठीक है रेट कम भी होती है कभी ज्यादा भी होती है सर अरे ना सर अगर सोचो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट कर दे गवर्नमेंट तो क्या होगा सर अगर मान लो किसी एस.एस.सी को फिफ्टी लेख का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए और ऑन एन एवरेज अगर उसका टेन लाख रुपए का जीएसटी बनता है महीने का क्या करेगा वो पांच महीने टैक्स पे नहीं करेगा हर महीने दस दस तो 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 लाख रुपया अरेंज हो गए और वो भी सिक्स पर एनम सर उधर जीएसटी पे नहीं करेगा इधर एफडी कराएगा सात में बेटा अरे ना अरे नो सर सिक्स परसेंट पर वो भी सिंपल इंटरेस्ट नो प्रोसेसिंग फीस नो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सर कोई सिक्योरिटी नहीं देना है किसी को अप्लाई नहीं करना है कोई आ, सर आ, सर किसी को सर आप यू नो प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह के लिए कुछ भी नहीं करना है और हाँ खास बात कभी मान लो फिफ्टी की जगह सिक्सटी करना है ना सर एक महीना वो लेट पे कर देगा उसकी पेमेंट की साइकिल जो है वो पांच महीने छह महीने लेट कर देगा सर वो क्लियर और जब पेमेंट होगा पे कर देगा सर कितना इजी हो गया लोन लेना यार अरे यस नो इसलिए आप मुझे बताओ अगर सिक्स परसेंट पर नाम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो क्या सही होगा क्या क्या देश के लोग इसको मिस नहीं करेंगे सर यस से नो लॉ किसने बनाया कानून किसने बनाया तो हमने क्या देखा होगा नहीं आ रही तो सिक्स परसेंट कर देंगे तो कुछ लोग मजे ले जाएंगे सर गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी नहीं सर ब्लॉक हो जाएगी रेवेन्यू लोग खुद के बिजनेस के लिए यूज कर लेंगे पैसे को इसलिए क्या होना चाहिए अगर लोन लेने पे इंटरेस्ट के रेट लगभग पंद्रह सोलह परसेंट है तो इसको एक काम करो एटीन परसेंट कर दो सर अरे हाँ ना भाई तो क्या होगा इसे पब्लिक इसको मिस नहीं करेगी सर अरे हाए ना सर क्लियर इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया सर एटीन परसेंट कर दिया आप मुझे बताओ सर एटीन किया तो सही किया कि गलत किया सर सही किया मतलब सिक्स तो नहीं होना चाहिए बेटा अरे हाए ना सर तो सर हमारे लिए तो एटीन कर दिया ठीक है खुद के लिए भी एटीन कर दो सर अब सोचो अगर गवर्नमेंट खुद के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एटीन परसेंट परन्नम कर दे तो क्या होगा भाई साहब लोग तो एफडी नहीं कराएंगे इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा यार या शेयर मार्केट रो ऊपर नीचे होता है पता ही नहीं बढ़ता है। सर मार्केट बढ़ रहा है दो सौ तीन सौ पिन बढ़ गया हमारा नेगेटिव में जा रहा है पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है अरे हाँ ना सर आप मुझे बताओ सर एटीन परसेंट पर लोग क्या करेंगे जानबूझ के एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराएंगे लोगों का इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा एटीन परसेंट अभी क्या होता है हमको ऑफिसर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं साहब रिफंड सेंक्शन कर दो सर आ जाए रिफंड तो ठीक रहेगा सर अरे हाँ ना अगर एटिंग कर दिया क्या होगा डिपार्टमेंट वाले हाथ जोड़ेंगे साहब ले जाओ नहीं अभी रखो अभी अभी अभी, अभी नहीं चाहिए <laughs> अभी नहीं चाहिए एक बार शेयर मार्केट क्रैश होगा जब वहां लगेगा तो लगा देंगे अरे हाँ ना सर यू टेल मी सर क्या सही है इसलिए सर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली क्या एफ डी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर अराउंड आप देखेंगे बच्चे आवाज नहीं रही होना चाहिए सर नहीं आप मुझे बताओ हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एटीन उनके लिए कितना है गलत है सही है यही पांच मिनट पहले हम क्या सोचो साले चोर और कुछ लोगों ने मन में कुछ पता नहीं कुछ और भी सोच लिया होगा अरे हा है ना क्लियर और अभी बिल्कुल सही है ये फर्क है अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट में एंड वी चार्टाउं समझे बात यही अगर मैं केवल आपको बोल देता कि देखो साहब एक्ट में लिखा है एटीन परसेंट आपको याद करना गवर्नमेंट के कितना है जीवन भर गाली देके पढ़ते कभी याद नहीं हो पाता और सर उसको मगअप करना पड़ता हमको अल्टीमेटली लॉजिक समझ नहीं आता सर अभी पांच मिनट लगे लॉजिक समझ में आया हंड्रेड परसेंट लगा कि लॉजिकल सेक्शन है सर ये और मैं कह रहा हूं कल को अगर इसमें अमेंडमेंट भी होगा आपको अपने आप समझ में आएगा कि अमेंडमेंट क्या हुआ और क्यों हुआ है सर और हाँ है ना भाई क्लियर इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को अगर आपने लॉजिकली पढ़ा है तो चीजें अपने आप समझ में आएगी अमेंडमेंट भी आपको समझ में आएंगे आखिर ये क्या क्यों आखिर क्लियर वो लेवल तक हमको पहुंचना है सर इसलिए आपके एग्जाम्स भले नवंबर में हो मई में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अगर चीजों को इतना हो। अमेंडमेंट होते नहीं सर जीएसटी सेटल हो चुका है शुरू करेगा इंडायरेक्ट अरे शुरू करे क्या भाई yes, अरे पक्का ओके yes, okay. तो सर एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न आपके सिलेबस में जीएसटी

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी का काम तो शुरू करेगा सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जुलाई गुडसैंड द डे दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड और सर मोदी जी को देखो किस तरह से इसको लॉन्च किया जीएसटी डे बना डाला मतलब इसको भी सेलिब्रेट किया सर हाँ है ना भाई मार्केटिंग देखो तो जबरदस्त सर जीएसटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन से आया तो आखिर क्यों आया उससे पहले क्या था उससे पहले क्या था आखिर सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट वॉज चार्ज एंड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज चार्ज हा है ना इन समर टैक्सेज वो देर बट दीज वी मेजर टैक्सेज विच गोट मर्ज विच गोट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी तो सर एक बार पहले यह देख लेते क्या कि आखिर जीएसटी आया तो कैसे आया और क्यों आया क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे आया और क्यों आया तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि क्या आया और हाँ है ना ये डायरी शुरू करी क्या है लिखा हुआ ये पढ़ने पहले क्यों आया पका हंड्रेड परसेंट चलिए सर तो सर थोड़ी देर बात करते हैं हम बिफोर जीएसटी क्या होता था ओके हो सकता है ये सब चीजें भी आपने कभी बात करी होगी हो सकता है आपको आता होगा पर मेरी बात मानी आपको आना और उसको बुक और पढ़ाई से लिंक करना बहुत फर्क होता है ठीक है और आपको आता होगा डेफिनेटली पर फिर भी पूरा पढ़ना आपने को बात खत्म सर रहा है ना भाई क्लियर वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द तो सर शुरू करते हैं हम सर सबसे पहले बिफोर जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स क्या लगता था बच्चा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट सेल्स टैक्स भी बोलते थे सर हाँ ना भाई एंड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज सर्विस टैक्स वॉज बिंग चार्ज क्या चार्ज होता था बच्चों सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या लगता था बेटा सर्विस टैक्स ओके ओके चलो एक चीज बताओ मुझे सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बोलता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर सर्विस टैक्स वॉज दी रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट

ओके ठीक है जीएसटी अभी थोड़ी देर बाद आएगा पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्साइज की देखना ध्यान से स्क्रीन पे एक मस्त पॉइंट पढ़ा क्या आपको यार शानदार वाला हाई नहीं बोल रहे आप तो यार अरे पढ़ा दूंगी क्या शानदार वाला पॉइंट yes. चलिए <coughs> कुछ दिख रहा है आपको क्या है ये बॉक्स लाइन दिख रही होगी आपको अच्छा चलो ये कितने हैं एक हाथ है और पांच सर ध्यान से ओके मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर आई एम अ पकाया ना मैंने हाँ तो आप भी पका रहे रहे बेटे बेटे मेरे को आवाज आनी चाहिए ढंग से सर सिस्टम क्या है कि आप में अगर आपसे एनर्जी आएगी तो मेरे को भी एनर्जी आएगी आप अगर ऐसे 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 ऐसे-ऐसे बैठोगे ना ना मेरे 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 को को भी 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 बैठना पड़ेगा सर आपने पकाया मैं चालू कर दूंगा ध्यान रखना पास बैठोगेगा बिफोर जी एस टी वेन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ओके बच्चों मैं गलत पढ़ा दूध मेरे को फिर मान लो yeah. सर मैं पेन बनाता हूँ पेंसिल मार्कर सर इसको आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स क्लियर ये मार्कर की मेरी फैक्ट्री है सर क्या बनता है पे ब्रांड नेम मंगल बोल दो ना ऐसा है ब्रांड नेम मंगल ओके सर ये मार्कर्स बनाने के लिए मेरे को इनपुट्स काम आए भाई

बना के दिया मैंने परचेज किया आपने सिंस मैन्युफैक्चर किया क्या लग गया भाई एक्साइज ओके okay, मालिक अब वो इनपुट मैंने परचेज किया आपसे उससे मैं क्या बनाने वाला हूं मार्कर्स और क्या बनाने वाला हूं मैं मार्कर्स ये मार्कर बनाऊंगा बेचूंगा अगेन क्या लगेगा एक्साइज और ये सर ओके okay. सर मेरा कॉस्ट कितना बेटा मेरा कॉस्ट हंड्रेड ओके okay, मालिक अब मैंने सर मार्केट बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसिंग करके होंगे मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन भी एड किया होगा सर क्लियर ऑल दोज आर कोल्ड वैल्यू एडिशन क्या बोलते हैं सर उसको ऑल माई एक्सपेंसेज माई प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ आ गया इसके अंदर सर इट अमाउंट्स टू सपोज रुपीज फोर्टी कितना हो गया मालिक फोर्टी टोटल वन फिफ्टी क्या बन गया इसमें आउटपुट गुड्स क्या बन गया सर मार्कर ओके okay, सर ये मैंने बनाया है मैन्युफैक्चर किया है क्या लगेगा भाई एक साइज सपोज इट इज ऑल्सो टेन परसेंट कितना होता है भाई फिफ्टीन टोटल कम्स टू वन सिक्सटी फाइव इनडायरेक्ट टैक्स है मैंने कस्टमर को इन्वेस्ट लिखा उसे वन सिक्सटी फाइव लिया उसमें से फिफ्टीन मैंने किसको पे किया गवर्नमेंट को पे किया वन फिफ्टी मेरे पास रह गया यस या नो पक्का डन तो सर एक्सरसाइज एक चीज एक ध्यान से देखना अब आप वट डू मीन बाई इनडायरेक्ट टैक्स बोलो आपको पता है बात कर चुके गंड्रेड परसेंट ओके सर मैंने आपसे टैक्स लिया गवर्नमेंट को पे किया यू टेल मी अल्टीमेट एम ऑफ गवर्नमेंट क्या है अल्टीमेटली टैक्स लेना किससे उनको कंज्यूमर से अल्टीमेटली कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यू टेल मी अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर आप लोगों इस एग्जाम्पल में आपसे गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लिया सर ध्यान से देखो आप अल्टीमेटली ये जो गुड्स आपने परचेज किया है इस पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ है टेन रुपए एक्साइज इनपुट स्टेज में मिला है फिफ्टीन रुपये एक्साइज अभी मिला है टोटल कितना हो गया भाई ट्वेंटी फाइव टोटल कम्स टू ट्वेंटी फाइव अरे हा है ना सर क्लियर yes, टोटल एक्साइज ड्यूटी कितना हुआ ट्वेंटी फाइव सोचिए अगर ये ट्वेंटी फाइव रुपये एक्साइज नहीं लगता तो विदाउट एक्साइज इस गुड्स का वैल्यू कितना होता है विदाउट एक्साइज इन गुड्स का वैल्यू कितना होता सर 140? अरे हाँ ना सर सर अल्टीमेटली आपने क्या परचेज किया है बोलो 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 मार्कर वीडियो क्लास में जो है आपको भी बोलना है बात खत्म सर देन देना जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मजा आपको भी आएगा उतना मजा मेरे को भी आएगा सर और हां सर अल्टीमेटली आपने मार्कर परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है 140? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को हम लोग गवर्नमेंट कौन हम लोगों ने मार्कर्स पर रेट ऑफ एक्साइज कितना डिसाइड किया है सर टेन परसेंट मार्कर की वैल्यू कितनी सर वन फोर्टी का टेन परसेंट कितना होता सर होता कितना मालिक फोर्टीन और लिया कितना लूट लिया हाँ ना सर तो हमने गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन किया हमने बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त रहे हम तुम्हारे साथ है अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया बेटा कैंडल मार्च ओके सर सर अल्टीमेटली टैक्स लगना चाहिए 14, और ले कितना रहे 25। सर गवर्नमेंट बोला हमने कहा गलत किया यहां टेन परसेंट था या टेन लिया यहां टेन परसेंट था टेन लिया कहा गलत किया क्लियर तो अब हम क्या करते एक बार एनालिसिस करते कहा गलत हो रहा है और क्या गलत हो रहा है सर क्लियर तो सर अल्टीमेटली टोटल टैक्स लग गया कितना मालिक ट्वेंटी फाइव अरे नो ट्वेंटी फाइव टोटल टैक्स लग गया भाई ओके okay. सर ये ट्वेंटी फाइव का हम ब्रेकअप किया ये ट्वेंटी फाइव कैसा आया सर टेन प्लस फिफ्टीन टेन क्या है अच्छा है एक चीज और हर पॉइंट को इतना माइन्यूटली पढ़ लो सर कि जब बिल्डिंग बनाना चालू करूँ मैं तो सर आपका बेस इतना स्ट्रांग है कि बिल्डिंग गिरी नहीं सकती सर क्लियर हर एक पॉइंट मेरे को बताया सर ये बहुत इजी पॉइंट चल रहा है आपको आता भी होगा होता आपने सुना भी होगा पर सर इसकी माइन्यूट डिटेल अगर आपने सीख ली तो लाइफ में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा सर क्लियर इसलिए मस्त होकर सुनना सीखना एंड सर आ, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना को कई बार लगेगा बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है हमको ऑलरेडी आता है हल्के में मत ले लेना क्योंकि सर नहीं तो बाद में भारी पड़ेगा सर ओके सर और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं मतलब टाइम मेरे को भी नहीं इतना है और आपके पास भी नहीं सर मुझे पता है ठीक है तो काम की बात बातों की तभी तो बात कर रहा हूं मैं ठीक है सर तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बना हुआ है मेंटेन में इट वेरी गुड सर ये टेन कैसा आया सर हंड्रेड का टेन 10%, परसेंट हंड्रेड था बेटा इनपुट की वैल्यू ये नो फिफ्टीन कैसा आया सर 10 150, 150 क्या था बेटा की वैल्यू सर सर इसका फर्दर ब्रेकअप वन फिफ्टी कैसे आया देखो ना सर ध्यान से हंड्रेड टेन फोर्टी तीनों को एड किया था वन फिफ्टी आ गया सर आपका ये ओके सर वन फिफ्टी कैसे आया बेटा हंड्रेड प्लस टेन प्लस टोटल कम्स टू वन फिफ्टी अच्छा हंड्रेड क्या था बेटा इनपुट टेन क्या था बेटा एक्साइजी फोर्टी क्या है वैल्यू एडिशन क्लियर पका डन अच्छा वन फिफ्टी का टेन परसेंट लगा इट मीन इसका भी टेन इसका भी टेन इसका भी टेन इसका टेन आता है कितना टेन टेन का टेन परसेंट वन फोर्टी का टेन परसेंट फोर टोटल कम्स टू फिफ्टीन सर क्लियर पका हमने कंप्लीटली एक ब्रेकअप कर दिया कि क्या क्या हुआ अल्टीमेटली अब सर इसको एनालाइज करते कि क्या सही है क्या गलत है सर सर ये क्या है इनपुट की वैल्यू 100 ये बनाया आपने सर इस पर गवर्नमेंट ने टेन परसेंट टैक्स लिया है टेन रुपये होता है कोई गलत क्या क्या, -क्या सर आवाज नहीं आ रही हो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तब गवर्नमेंट ने क्या किया ओ -ओ -ओ, ये हंड्रेड क्या था बेटा ये वो इनपुट था सर जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके और वापस से पूरे 150 फिफ्टी पे टैक्स लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 आल्सो अरे हा हाँ मालिक क्लियर तो सर ये टेन रुपीज टैक्स लग रहा है क्या सही है क्या क्या सही है क्या गवर्नमेंट ने बोला साहब वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स लेना है पर ये थोड़े बोला कि बार बार लेना है हा ना सर समझे मेरी बात तो सर हमने एक गड़बड़ तो यहां पकड़ ली सर जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उस पे से लग रहा। is is क्या सर उसको हम देखो यहां मैंने दो स्टेप लिखी आपके लिए इसलिए स्टेप और एड कर देता तो सर थ्री टाइम टैक्स एक स्टेप और एड कर देता फोर टाइम टैक्स दिस इज वॉट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन तो मल्टीपल टैक्सेशन किसको बोलते हैं सर सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट यस मल्टीपल टाइम्स गुड सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट मल्टीपल टाइम्स इज गोल्ड मल्टीपल टैक्सेशन नहीं चलेगा नहीं चलेगा हा सर पक्का ओके सर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आए यह क्या है भाई वन रुपी किस पे टेन परसेंट किसका टेन परसेंट किसका सर एक्साइज एक का टेन परसेंट एक्साइज वाह आपको वैल्यू गुड्स पे टैक्स लेना है या टैक्स पे टैक्स लेना है अरे हाँ है ना सर ये तो इन्होंने क्या किया टैक्स पे टैक्स ले लिया सर क्लियर सर एक्साइज रूटाइज रूट लगा दिया वहां कमाल सर दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट क्या कहते हैं सर इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट यस नाम तो सुना होगा ना सर अपने आज देख लो ध्यान से सेम टेक्स ऑन सेम टेक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं चलेगा नहीं चलेगा जोश में आ गए हम और बोलते क्या नहीं चले ये क्या नहीं चलेगा भाई ये क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है जल्दी बताना

तब पूरी वैल्यू पे लगा दिए तो लग गए मतलब टैक्स लग गए बेटा अरे है ना सर इसलिए सर मल्टीपल टैक्स इफेक्ट हो जाता अगर पूरे 150 पे टैक्स लगता तो सर अरे यस या नो इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा बट किस पे लगेगा सर ओनली एंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा इसलिए कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडिशन पे टैक्स मीन वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वेट बोलते हैं और वही सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो सेंडवेट बोलते हैं सर उसको सेंट्रल वैल्यूडेड टैक्स हा है ना सर अभी जीएसटी आएगा रुको अभी टाइम लगेगा उसमें अभी तो चल रहा है एक्साइज अरे क्लियर सर तो वहां से कॉन्सेप्ट आया एडेड टैक्स का मतलब नेक्स्ट स्टेप टैक्स लगाना है बट ओनली ऑन उन, द अमाउंट ऑफ देख लेता सर वो भी अभी आ जाएगा मजा आपने को इट स वॉट यू वॉन्ट कि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन लगाओ सर फंडामेंटल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स बता रहा हूं मैं आपको बेटा सर वही एग्जांपल लेता हूं मैं इनपुट आपने परचेज किया कितना में सर हंड्रेड उस पर एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा कितना होता मालिक टेन टोटल हंड्रेड एंड टेन पका ओके okay. हमारी कोश कितनी सर 110. वैल्यू एडिशन जल्दी बोलो। 40. 40. सर टोटल कितना हो गया 150. ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स आ गया सर इस पे एक्साइज की रेट कितनी सर 10 परसेंट कितना होता सर एडेड टैक्स कितना होगा सर टोटल 150 और भारत माता की जय अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा कस्टमर से कितना लिया 140 लिया अल्टीमेटली टैक्स कितना है 14 अरे हां ना भाई क्लियर टोटल कम्स टू 154 क्या गवर्नमेंट को टैक्स जितना जाना था उतना गया क्या क्या कम गया है ज्यादा गया है कंज्यूमर की पॉकेट से भी बिल्कुल सही टैक्स गया है बेटा अरे हां ना सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स पक्का पक्का हंड्रेड परसेंट डन ठीक है सर मतलब बिल्कुल सही चल सही रहा है मल्टीपल टैक्सेशन हट गया है cash हट गया है, मजा आ गया सर मजा ही मजा। अरे हाँ है ना सर सुना ध्यान से चलो यार एक चीज बताओ मुझे आप कभी आपने मोबाइल परचेज किया चोरी तो नहीं किया तो बोलो ना हाँ कितने में सर फिफ्टीन थाउजेंड में सर मान लो मान लो ना <laughs> उस पर मान लो टैक्स कितना है बेटा सपोज टेन परसेंट कितना होता बेटा ये जो आपका रिएक्शन था ना है बस यही मैं चाह रहा था बेटा क्या सही है क्या नहीं थोड़ी देर पहले तो अभी आपने कहा बेटा कि मजा ही मजा सर देखो मैंने कुछ नहीं किया दो जीरो बढ़ा दिए और कुछ नहीं किया है फिगर भी सही है बाकी अरे ये देखो ना इतना क्या सोच रहे हो तो हाँ हाँ तुम्हें पता कैसे बढ़ेगा हाँ हो रहा है बोलना पड़ेगा आपको सर आप मुझे बताओ सर यू टेल मी यू टेल मी अभी तो आप कह रहे थे मजा आ गया मल्टीपल टैक्स हट गया है आपने कभी नहीं प्रैक्टिकली अपने क्या देखा होगा सर एंटायर वैल्यू पे टैक्स रहा है ना सर और गवर्नमेंट ने बोल भी रखा है कस्टमर को और सप्लायर को कि आप जो कस्टमर से टैक्स ले रहे हो वो पूरा उसको बताओ आपने बिल पे लिखा टेन सॉरी फोर और लिया कितना बेटा फोर्टीन अल्टीमेटली फोर्टीन क्या ना यार कंज्यूमर की तरफ से गलत हो रहा है सर ये? तो लगाओ टैक्स पूरी वैल्यू पर क्या बोला सर पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाओ सर हमने बोला अब ये लॉ बनते हुए देखो सर आप क्लियर आप डिस्कशन का पार्ट बनो सर मैं डायरेक्ट ये नहीं चाहता कि देखो ये बना हुआ है याद कर लो नहीं आप डिस्कशन का पार्ट बनो कैसे लॉज बनते हैं क्या डिस्कशन होता है क्या बात होती है क्या तकलीफ थी कैसे सोल्यूशन आया समझे मेरी बात ये अगर सीख लेना सर मजा आएगा सर आपको यू टेल मी सर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाओ अब सर पूरी वैल्यू पे अगर टैक्स लगा दिया तो अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्सेशन और कैश के इफेक्ट हो जाएगा सर अरे गवर्नमेंट बोला भाई पूरी बात तो सुन हम लोग बोलो बोला तुम पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ और जो परचेज पे टैक्स पे करोगे उसका हम तुम्हें क्या दे देंगे क्रेडिट दे देंगे दे, उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे दे दे, उतना टैक्स अब सेल पर जब टैक्स पे करोगे उतना कम पे करना क्लियर सर सुनो ध्यान से यहां तक तो सिस्टम तो आया किसका का सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वेट अब आ रहा है सिस्टम किसका क्रेडिट का सुनो ध्यान से सर तो गवर्नमेंट क्या बोला कि पूरी सेल पे टैक्स लगाओ पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स लगाओ पूरे बिल पे जो वैल्यू आ रही है उस पे पूरे पे टैक्स लगाओ पर चिंता मत करना परचेस पे टैक्स पे क्या उसका हम क्या देंगे आपको क्रेडिट देखना कैसे देंगे सर क्या देंगे ये लीजिए सर फंडामेंटल ऑफ क्रेडिट ध्यान सुनना सर सर वैल्यू ऑफ गुड्स अगेन यू आर अ मैन्युफैक्चरर मैंने आपसे इनपुट परचेज किया कितने में मालिक गलत पढ़ा दूंगा ध्यान कंफ्यूज कर दूंगा कितने में परचेज किया एक्साइज ड्यूटी कितना सर टेन परसेंट कितना हुआ मालिक टोटल 110 यही ऑल फिगर्स रिमेनिंग सेम सर तभी कंपेयर कर पाएंगे ना हम क्या हो रहा है सर मैंने आपसे इनपुट परचेज किया यूर मैनुफेक्चर मैन्युफैक्चरर 110 में ने किया उसमें टेन रुपी क्या है एक्साइज ड्यूटी टेन द एक्साइज ड्यूटी जो मैंने मैं परचेजर हूं मैंने आपको पे किया और अल्टीमेटली आपने क्या क्या होगा गवर्नमेंट को पे किया सर अब ये इनपुट को यूज करके मैं आउटपुट गुड्स बनाऊंगा सर और आउटपुट गुड्स में बनाऊंगा उसकी पूरी वैल्यू पे टैक्स पे करने वाला हूं हाँ है ना गवर्नमेंट बोलती है क्या कोई बात नहीं चिंता मत कर ये जो परचेज पे तुमने टैक्स पे किया है इसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे बेनिफिट दे देंगे एंड एनी बेनिफिट इज कोल्ड एनी बेनिफिट इज नॉट कोल्ड एक्सपेंस अरे हाँ है ना सर सर तो हमने क्या किया अवेल कर लिया। टेकन और कितने का बेटा टेन का अब सर आउट ऑफ हंड्रेड एंड टेन दस का हमको क्रेडिट मिल गया तो हमारी कॉस्ट कितनी बच गई सर हमारी कॉस्ट कितनी बच गई सर 100? फिर हमने वैल्यूडेशन किया सर कितने का जल्दी बोलो टोटल 150 में क्या बन गया आउटपुट गुड्स क्या लगेगा अगेन एक्साइज रेट कितना बेटा 10 कितना हो गया 14 टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है सर मैंने कस्टमर से टैक्स लिया कितना बेटा अल्टीमेटली टोटल टोटल प्राइस प्राइस कितना कितना था? था सर? फोर उसमें से फोर्टीन क्या है एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है सर ये मैं गवर्नमेंट को पे करने गया कौन सी गवर्नमेंट को पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सर जैसे ही पे करने गया तब याद आया क्या आपने मुझे बोला था कि जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका तेरे को बेनिफिट दे दूंगा उतना टैक्स तो कम पे करना तो वो जो क्रेडिट मेरे पास पड़ा था वो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था वो मैंने क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया और बैलेंस फोर पे कर दिया भारत माता की जय हाँ है ना सर आप मुझे बताओ गवर्नमेंट की पॉकेट में कितना टैक्स गया है फोर्टीन कैसे गया सर टेन यहां गया होगा जो टैक्स मैंने आपको पे किया आपने गवर्नमेंट को पे किया होगा सर और यहां फोर और चला गया कितना गया पॉकेट से जल्दी बताओ कस्टमर की पॉकेट से कितना गया है बिल पे पूरा लिखा है आप मुझे बताओ आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला चलिए सर हाँ जी दिल थाम के सुनना सर और दिल थाम के आंसर देना है सर आपको क्योंकि ये वो मंत्र है जिसकी वजह से मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा सर आपको पूरा इंडायरेक्ट टैक्स क्लियर दस का क्रेडिट क्यों मिला हाँ जी सही बोल रहे हो आप गलत नहीं टू रिमूव द कैश के नहीं इफेक्ट बस मल्टीपल टैक्सेशन हटाने के लिए बस पका कंज्यूमर को भी आउटपुट वैल्यू पर पूरा टैक्स दिखाने के लिए सर वरना सर देखो ना आप यहां पे भी तो यार आ गया भाई ये रहा ये रहा ये रहा। यहाँ पे भी देखो ना सर मल्टीपल टैक्स हटाए यहाँ पे भी तो कैश कटिंग हट गया सर हाँ है ना तो यहाँ पे दस का दिया सर जरूरत नहीं पड़ी सर जरूरत क्यों नहीं पड़ी सर क्योंकि यहां टैक्स केवल फोर्टी पे लग रहा था सर नहीं नहीं मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा सर अरे ऐसे नो आप मुझे बताओ इस वाले एग्जांपल में भी तो सर दस का ग्रेड सर नहीं मिला है ना सर अरे हा है ना भाई क्या यहां पे कोई मल्टीपल टैक्स हो रहा है क्या यहां है फिर यहां क्रेडिट क्यों नहीं दिया क्योंकि टैक्स उस 100 पे वापस लगी नहीं रहा सर उस 10 पे टैक्स नहीं रहा सर यहां डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहा है सर वैल्यू एडिशन पर तो अब आप मुझे इन सब बातों को मर्ज करके बताओ कि आखिर ये दस का क्रेडिट यहां क्यों मिला मैं बोल दू तो सर आपके लिए ये सारी बातों को मर्ज करके क्योंकि टैक्स जो लग, लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है सर ध्यान से देखना टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 पिछले वाले एग्जांपल में टैक्स केवल 40 पे लग रहा था बेटा हाँ ना इसलिए क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती सर यहां क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ी सर क्योंकि जो लग रहा पूरे 140 पे, पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सो टू रिमूव द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला भारत माता की जय अरे समझ में आया पॉइंट आवाज नहीं आ रही हुई yes. पक्का चलिए सर वन टू थ्री आपको शुरू करना है और एक साथ बोलना है पूरा पॉइंट जो मैंने बोला है वो दस का क्रेडिट क्यों मिला एक बार मैं बोलता हूं आपके साथ आप भी बोलिए मैं भी बोलता हूं और फिर सर ये पूरा दिल में उतरना चाहिए सर बात आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे वन फोर्टी पर लग रहा है विच इंक्लूड हंड्रेड ऑन विच वीडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है सो टू ओवर मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश के क्रेडिट मिला हा है ना भाई क्लियर yeah. सर अब आपको बोलना है मैं नहीं बोलूंगा सर दस का क्रेडिट क्यों मिला वन टू थ्री गो क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स ऑन विच वे ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है सो टू ओवर द एंड क्रेडिट मिला है हाँ ना भाई पक्का हंड्रेड परसेंट अगर टैक्स केवल फोर्टी लग रहा होता अगर टैक्स केवल तो क्या दसा क्रेडिट की जरूरत थी क्या बेटा नहीं पक्का हंड्रेड परसेंट पक्का आंखें बन अब इसको फील करना है अगर दस दसा क्रेडिट क्यों मिल रहा है

टैक्स लग रहा है पूरे अच्छा कुछ लोग तो चेक कर रहे पीछे देख देख के देखे कि सब बंद है क्या सर आखिर बंद टैक्स लग रहा है पूरे अच्छा। फिल 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 इंक्लूड्स फिलड ऑन विच ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पर टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार कैश स्कैनिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर दसा क्रेडिट नहीं मिला तो इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश स्कैनिंग इफेक्ट दसा क्रेडिट मिला ओम शांति शांति धीरे धीरे आ खुलना बेटा एकदम क्लियर अब हो गया ओ। क्या हो सर यहां तक बात समझे क्या हंड्रेड परसेंट पक्का फील समझ में आपको ये क्लियर सर प्लीज <laughs> सर <laughs> सर <laughs> <laughs> हाँ बता हूँ रुक है ना आता है रुक सर इनका पॉइंट ये है सर कि सर जब क्रेडिट मिलना ही है तो टैक्स पे करना ही नहीं सर डायरेट एंड कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तभी टैक्स लगा लो ना सर प्लास्टिक पे टैक्स ले रहे नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं सर सर अगर डायरेट सिंगल पॉइंट टैक्स कर दे वन पॉइंट टैक्स तो सर वहां टैक्स एविजन के चांस बहुत ज्यादा है सर क्यों बहुत ज्यादा है सर आपने भी कई सारी गुड्स खरीदी होगी जिसका बिल नहीं लिया आज तक बेटा याद करो हाँ है ना क्लियर तो सर। आप समझे आंसर ये है तो सर देर मेजर रिस्क ऑफ टैक्स इविजन अगर सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम कर दे तो अभी क्या है मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है मल्टीपल पॉइंट पर टैक्स लगेगा सर तो वहां टैक्स इविजन की चांस कम है पूरी चेन पकड़ में आएगी सर है ना भाई और सिंगल पॉइंट टैक्स कर दे तो अगर लास्ट पॉइंट छूट गया गया पूरा टैक्स गया गवर्नमेंट का तो सर है ना सो आर वन ऑफ द रीजन वाई मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम इज देयर ओके वैल्यूडेशन पे टैक्स बेटा ना दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ओके सर यहां तक समझे क्या सर yes. आखिर क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया क्या मालिक ओके सर पता है जो फंडामेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा सर हा है ना तो अभी हमने पढ़ा क्या सैनवेट अब मैं ले रहा हूं फंडा क्या वेट दोनों का प्रैक्टिकली अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं कौन हूं बेटा मैं मैन्युफैक्चरर तो सर मैं गुड्स बेच भी तो रहा हूं अरे बनाई हो तो ठीक है बेच भी तो रहा हूं बनाने में क्या लगता है एक्सरसाइज बेचने में क्या लगेगा वैट क्लियर एक एग्जाम्पल एक हैं दोनों का बेटा उससे समझ में आएगा मेरे को कि आपको कितना समझ में आया बेटा अच्छा मस्त होके समझ में आ रहा है सर आपको yeah. इन्वॉल्व हो रहे हो सर आप अच्छा आप ये छोड़ दो कि आपके एग्जाम्स है आप पढ़ने वाले हो आप सिलेबस पढ़ना है सब छोड़ दो सब मेरे पे छोड़ दो सर आप सब मेरा काम है सर कौन सा पॉइंट कैसे कहाँ लिंक करना है मेरा काम है आप जब मैं बात कर रहा करूँ बस उसमें इन्वॉल्व होइए मस्त हो सुनिए मस्त होकर इन्वॉल्व होकर बात करिए मेरे से आप ठीक है भले आप वीडियो क्लास में आप प्लीज मेरे से बात करिए बस सर राइटिंग समझ मार बेटा आपको yes. पक्का ना धीरे धीरे और बिगड़ेगी बेटा भी, ही भी है सर सेनवेट प्लस वेट, वेट। मान लो मैंने इनपुट परचेस किया हंड्रेड में आपसे परचेज किया सर You are the manufacturer. आपने क्या लगाया टेन परसेंट रेट ऑफ टैक्स कितना हो टोटल हंड्रेड एंड टेन फिर होता है बेटा? अरे, 110 का 4 4 .4 होता है, कोई बात नहीं सर कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास बेटा? बहुत टफ कैलकुलेशन थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं हूं आपके लिए बेटा पॉइंट फोर जीरो मैंने आपसे इनपुट पर हंड्रेड एंड में इसमें एक्साइज भी और फिर बिकेगा ना या पहले बिक जाएगा फिर बनाएंगे ऐसा तो नहीं है सर सर पहले गुड्स बनेगा इसलिए पहले लगता था एक्साइज और एक्साइज की वैल्यू एक्साइज को भी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता था उस पर लगता था वेट हाँ, लगता था वेट हाँ, बेटा हाँ ना भाई क्लियर ठीक है सर ठीक है सर इसलिए 110 पे मैंने 4 परसेंट लगाया बच्चों ठीक है सर चलिए ओके okay, अब मैंने आपसे हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट फोर गुड्स परचेज किया इससे मैं क्या बनाऊंगा सर मार्कर्स मार्कर बनाकर मैं क्या करूंगा सर बेचूंगा सर बनाऊंगा एक्सरसाइज लगेगा बेचूंगा क्या लगेगा वेट लगेगा इसलिए जो मैंने एक्सरसाइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा सैनवर्ड क्रेडिट अच्छा एक बात और अगर आप हाँ नहीं बोल पा रहे हो तो हूं भी चलेगा ठीक है ताकि आपके बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं आया ना बेटा सर <laughs> पर चलेगा, पर चलेगा चलना चाहिए कुछ ना कुछ सर सर तो मैंने आपसे जब परचेज किया गुड्स एक्साइज पे किया अगेन मेरी सेल भी क्या लगने वाला है एक्साइज लगने वाला है तो मैंने परचेज भी जो एक्साइज पे किया उसका मैंने क्या ले लिया सैनविट क्रेडिट क्या ले लिया सर तो लेनविट क्रेडिट अवेल्ड कितना बेटा टेन सिंस मेरी सेल पे वेट लगेगा परचेस वेट पे किया तो वेट का भी क्या मिल जाएगा क्रेडिट और हाँ है ना भाई तो मैंने वेट क्रेडिट भी अवेल कर लिया कितने का अच्छा वेट और सेंवेट सेम है अलग अलग है फंडा सेम है चलो पर सर दोनों टैक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट के की? एक के ही है अलग अलग के ना सर सेंट क्रेडिट किसका है वेट क्रेडिट ठीक सर अब मैंने आउट ऑफ वन फोर पॉइंट फोर जीरो टेन का सैनविड क्रेड ले लिया फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट ले लिया तो मेरी कोस्ट कितनी बची सर मेरी कोस्ट कितनी मालिक हंड्रेड मैंने अगेन वैल्यूडेशन किया सर कितने का फोर्टी टोटल वन फोर्टी टोटल कम टू फोर्टी सर वन फोर्टी में क्या बन गया बेटा आउटपुट गुड्स अरे यस क्या लगेगा सर एक्साइज से टेन परसेंट कितना होता है 14, वेट कितना है मालिक फोर सॉरी टोटल लिखेंगे 150, 4, फिर क्या लगेगा? वेट, रेट कितना है 4 कितना बेटा? हो गया? .16, .16. हाँ भरोसा कर लो सही है बेटा चेक करने की जरूरत नहीं सही है लिखा लिखा है ओके वन सिक्सटी अल्टीमेटली मैंने आपसे सर मार्केट बना के जब बेचा 160.16 मैंने आपसे लिया सर इसमें से 14 क्या है जल्दी बोलो 14 क्या है किसका रेवेन्यू है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा कैसे पे करूंगा जल्दी बताओ 10 का सैंडविच क्रेडिट यूज करूंगा बेटा हाँ है ना भाई और बैलेंस फॉर अच्छा 10 का सैंडविच क्रेडिट कौन सा यूज किया मैंने वो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था याद आया बेटा

पॉइंट खत्म होता है अब यस से नो यस से नो ठीक है सर पक्का मालिक हंड्रेड परसेंट चलिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला यस सर जल्दी आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला जल्दी बताओ टैक्स जो लग रहा है पूरे अच्छा ये नहीं बोलना है सर सेम एज अबाउ ओके सर Please, sir, जल्दी बोलो दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे विच इंक्लूड्स ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द और वापस से पूरे बोलो बोलो वापस से पूरे 140 फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पर टैक्स लग रहा है सो टू तो ओवर द मल्टीपल टैक्स एंड कैश कैन इनफैक्ट दस का क्रेडिट हा मालिक पक्का डन एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था मेरा क्वेश्चन था ये फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स हंड्रेड टेन ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द वेट और वापस से पूरे वन फिफ्टी फोर इंक्लूडिंग हंड्रेड टेन पे वेट लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैन इनफैक्ट का वेट क्रेडिट मिला हा है ना सर yes. मतलब फंडामेंटल सेकंड थिंग फिगर्स जरूरी नहीं कि आप दस ग्रेड ही याद रखें बेटा कोई भी फिगर हो भले करोड़ों का हो लाखों का हो सर आंसर यही रहेगा हमेशा अरे क्लियर पक्का डन तो सर दस ग्रेड क्यों मिला वेट ग्रेड क्यों मिला आपको शायद समझ में आया मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लो मान लो गुड सपोज मेरी लाइब्रिटी एक्सरसाइज की है सर वेट की भी लाइविटी आएगी सर अगर मान लो मेरे पास सैनविड क्रेडिट एक्स्ट्रा होता होता अगर होता क्या मैं उसको वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर क्या मैं सेंडवेड क्रेडिट वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर नो क्यों नहीं? जब टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो शिंदे साहब क्यों क्रेडिट देंगे सर शिंदे जी समझते है कौन है गवर्नमेंट अरे समझे मेरी बात पक्का मतलब ये है कि जो को दिया, सर। जो चलो हूं। क्या ये वेट का है? क्या वो में काम आ सकता है सर आवाज नहीं आ रही है मालिक क्यों नो क्योंकि जब टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों क्रेडिट देगी बेटा यार हा है ना तो सर समझा आप मेरी बात पक्का डन इसलिए सैनवेट क्रेडिट वेट में काम नहीं आता है वेट क्रेडिट सैनवेट में काम नहीं आता है हाँ है ना सर पक्का पक्का डन चलो एक चीज बताओ मुझे अभी आपने बताया कि 154 इस पूरे पर वेट लग रहा है इसलिए 110 पे जो वेट पे किया उसका आपको क्रेडिट मिला बेटा क्लियर अगर मान लो 154 पे वेट नहीं लग रहा होता तो क्या क्रेडिट मिलता क्या सर आवाज नहीं आ रही हो ए?

नहीं मिलता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता बेटा कि अगर मान लो मेरा आउटपुट सप्लाई एग्जाम बेटा क्या है एग्जेमट है सर इनपुट परचेज किया ध्यान देना सर मेरे मार्कर पे टैक्स एग्जाम किया है क्या प्लास्टिक पे एग्जेमट है क्या नहीं ना मैंने आपसे क्या परचेज किया है प्लास्टिक प्लास्टिक पे आपने क्या लगाया बेटा सपोज टेन परसेंट रेट कम्स टू हंड्रेड एंड टेनो मैंने प्लास्टिक किया मार्कर पे होगा इसका मतलब ये नहीं कि सारे इनपुट भी हो जाएंगे सर क्लियर मैंने इनपुट परचेज किया हंड्रेड एंड टेन में जिसमें टेन रुपया क्या हुआ बच्चा एक्साइज ठीक है अब आप मुझे बताओ मेरे आउटपुट गुड्स पे क्या एक्साइज लगेगा लगेगा क्या मेरे आउटपुट गुड्स पर एक्साइज लगेगा क्या सर नहीं मेरा आउटपुट गुड्स पे एक्साइज नहीं लगेगा तो सर गवर्नमेंट ने से देने से भी क्या कर दिया बेटा मना कर दिया कि दिमाग खराब मत करना आउटपुट गुड्स बन गया जिस पे एक्साइज किया बेटा बात मी अगर गवर्नमेंट ने यहां क्रेडिट देने से मना कर दिया तो क्या कुछ गलत किया किया? क्या कुछ गलत किया है क्या नहीं क्यों क्योंकि परचेस पे टैक्स पे इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है सर बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं लाइफ में कि परचेस पे टैक्स पे इसलिए क्रेडिट मिलता है अगर परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता तो आप लोगों ने भी क्रेडिट लिया होता मोबाइल का बेटा हाँ है ना आप लोगों ने भी जीवन में इतने सारे गुड्स और सर्विसेज परचेस करी है उनका अपने क्रेडिट को भी लिया है क्यों नहीं लिया क्योंकि आपके 140 फोर्टी पी टैक्स लग ही नहीं रहा सर हा है ना मालिक सर अगर आपके 140 फोर्टी पे टैक्स लगता तो आप क्रेडिट लेते मेरे 140 फोर्टी पे टैक्स लग रहा है इसलिए मैंने कैमरा का क्रेडिट लिया है इसलिए लैपटॉप का क्रेडिट लिया आईपैड का क्रेडिट लिया है जितने भी गुड्स दिख रहे सबका क्रेडिट मैंने लिया है बेटा हा है ना सर क्लियर इसलिए अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम क्या है सर आपका दिल क्या कहता है क्या क्रेडिट मिलना चाहिए बात कदम नहीं मिलेगा सर क्योंकि आपको यह समझ में आ गया कि क्रेडिट क्यों मिल रहा है लोग याद करते हैं कि सर अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम तो क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको याद करना है क्या चीजें अपने आप सॉल्व हुई ना बेटा चीजों को सोल्व करो याद नहीं करने का सर क्लियर मेरा आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जाम है नॉन टैक्सेबल टैक्स पे नहीं करना है तो क्रेडिट भी क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे कोई मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा कैश के नहीं हो रहा क्रेडिट की बात आती नहीं है सर परचेस पे टैक्स पे किया इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट मिलेगा बेटा यस yes या नो yes. अरे पक्का डन तो सर आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला शायद समझ में आ रहा है सर आपको शायद समझ में आ रहा है सर आपको यस yes. या नो ओके yes. okay. चलिए सर एक चीज और बता दो लास्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए अगर मान लो सिस्टम ये होता कि आपने 150 में गुड्स बेचा बेटा इधर कुछ याद आ रहा है क्या इतने सर्कल हो गए सर ओके चलिए सर अगर मेरे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा होता बच्चों किस पे लग रहा होता बच्चा <laughs> दसा ग्रेड मिलेगा सर क्या दसा ग्रेड मिलेगा क्या सर क्यों नहीं क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा कैश नहीं हो रहा देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेड ऑल अरे यस या नो अरे पक्का डन देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेड ऑल बेटा यस या नो पक्का डन तो सर एक फंडा सिखाऊंगा मस्त वाला आपको एक फंडा सिखा मस्त वाला आपको यार वैसे वो जीएसटी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा पर यहां बता दूंगी आपको यार अगर मेरे पूरे 140 पे टैक्स लग रहा होता अगर मेरे पूरे 140 पे टैक्स लग रहा होता तो दस रगे मिलता बेटा नहीं अच्छे से वा, वापस 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 अगर मेरे 140 पे टैक्स लग रहा होता पूरे 140 पे बेटा तो दस का बेटा अगर गवर्नमेंट ने वन फोर्टी है, है? है, है तो क्या दस का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या क्यों नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वापस से टैक्स लग ही नहीं रहा है सर मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा है कैश स्किन फैक्ट नहीं हो रहा क्रेडिट किस बात का हा है ना सर ठीक पक्का पता है कुछ जगह गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जीएसटी में भी किया है एग्जाम्पल दू नहीं नहीं तो कोई बात नहीं कोई जरूरी नहीं पक्का ठीक है सर ऐसा अच्छा लगता है आप बोलते तो सर यार अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे एक बार ये ये फोर अगर वन फिफ्टी का फोर कितना परसेंट होता है दिखा लो ना एक बार कैलकुलेटर डिवाइड बाई वन फिफ्टी करना एक बार टू पॉइंट सिक्स सेवन इस एग्जाम्पल के लिए अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि मैंने जो गुड्स बनाया है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स मान लो टेन परसेंट कितना है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चा अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स पे करोगे तो पूरा क्रेडिट मिलेगा अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करोगे तो परचेस भी जो तो टैक्स पे किया उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा और आप चाहो तो डायरेक्ट आपकी सेल प्राइस पर 2.67 परसेंट टैक्स पे कर देना और 2.67 परसेंट अगर आपने टैक्स पे किया तब वो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सही है गलत है मुझे बता दो आप गलत क्या कि सही किया क्यों सही किया आप मुझे बताओ टू पॉइंट सिक्स रेट कर दिया गवर्नमेंट ने सर और आपको क्रेडिट देने के लिए मना कर दिया तो गलत क्या कि सही किया? किया क्यों सही किया क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑलरेडी रेट ऑफ टैक्स आपके कम कम कर देना यार वो यही कैलकुलेशन करके किया कि आपने सर ऑलरेडी केवल वैल्यूडेशन टैक्स पे किया एक तरह से हा है ना सर वैसे बातें आगे आएगी पर यहां बात निकली दिल ने कहा बता दो तो बता दिया मैंने आपको एग्जाम्पल दू आपको जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आप देखना ट्रांसपोर्ट की सर्विस पे दो रेट ऑफ उट टैक्स है सर फाइव परसेंट और ट्वेल्व परसेंट हो सकता है आपने नहीं देखा हो तो एक अलग बात है सर मैं बोल रहा हूं बता रहा हूं ऐसा है नहीं जरूरी नहीं है सबको बताना यार क्योंकि मैंने तो अजम से आपको कुछ भी नहीं आता सर क्लियर सर जीटीए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं रेंटिंग और मोटर व्हीकल सर्विस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर रेट ऑफ उट टैक्स कितनी है दो है एक फाइव परसेंट एक ट्वेल्व परसेंट है सर अगर आपने ट्वेल्व परसेंट टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया मतलब सारा क्रेडिट आपको मिलेगा और अगर आपने फाइव परसेंट टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ये कैसे आया समझ में आया कि नहीं आया मुझे क्लियर समझे मेरी बात दीज आर दी थी फंडामेंटल्स सर मैंने वो ऑपरेशन कर डाला कि गवर्नमेंट आखिर क्या सोचती है और किस तरह से रेट फिक्स करती है सर। सर, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं सर पांच परसेंट तो टैक्स की रेट है और जीएसटी आया है क्यों सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट तो हमको क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है अरे भाई सर <laughs> तुम्हारे रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी फाइव परसेंट कर दिया ना यार अब क्या जान लोगे समझे इसलिए फंडामेंटल को मजा आएगा सर आपको सर चीजें क्यों बनी वो समझ लो क्या बनी अपने आप समझ में आएगा सर आपको यहां तक समझे क्या आप अरे क्लियर पक्का आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया कि नहीं आया सर आपको पक्का तो सैंडविच ग्रेड वेट में काम आएगा क्या नहीं। वेट का ग्रेड सैंडविच में काम आएगा क्या सर Sandwood किसका रेवेन्यू वेट किसका रेवेन्यू पक्का अच्छा अगर मेरी सेल पर एक्सरसाइज लग रहा है तो मिलेगा अगर मेरी सेल पर वेट लग रहा है, तो वेट का क्रेडिट मिलेगा दोनों लग रहे दोनों मिलेगा दोनों में से एक लग रहा है एक नहीं लग रहा तो अरे ये यसनो पक्का बच्चों मतलब परचेज पे टैक्स पे क्या तो क्रेडिट मिलेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है यहां तक सिस्टम क्लियर पक्का ओके सर ध्यान मेरी तरफ संतोष भैया ओके okay, हां सर नहीं हो रहा है वहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट जो रखी ना कम सर वो 2.67 पॉइंट परसेंट हमने बताया आपको वो गवर्नमेंट ने वो सब कंसीडर कर रख ली कि साहब यहां पे अगर 40 पे टैक्स लगता तो कितना लगता 40 में तो कई दस रुपए नहीं इंक्लूड किया ना सर हमने 40 वाज ओनली वैल्यूडिशन वो तो में क्या किया वन का हमने रेट ऑफ टैक्स टेन परसेंट हटा के टू किया सर वापस देखिए इधर हां हाँ, यहां पर हाँ यस बात करेंगे अभी रुको इनका पॉइंट ये है सर कि देखो सर एक्साइज भी तो एक तरह से टैक्स है एक्साइज भी टैक्स है सर और वेट भी टैक्स है सर भले स्टेट गवर्नमेंट ले सेंट्रल गवर्नमेंट ले हमें क्या है? मतलब सर हमें तो टैक्स देना है क्लियर याद देखो ना सर एक्साइज पर भी तो वेट लग रहा है गलत हो रहा है ना सर ये भी तो कैस के डिफेक्ट हो रहा एक है एक तरह से बिल्कुल हो रहा है इसलिए तो जीएसटी आ रहा है क्लियर यस दिस इज वन ऑफ द लकुना बता रहा हूं मैं आपको ठीक है ये इल इफेक्ट थे पुराने टैक्सेशन सिस्टम के सर बता रहा मैं ठीक है इसलिए जीएसटी आया ओके सर अभी और बात करते हैं तो समझ yes. में आएगा आपको ओके ओके वेट समझ में आ गया सर सर आपको अब ध्यान मेरी तरफ आप मुझे बताओ सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू yes. सेंट्रल गवर्नमेंट सर वेट किसका रेवेन्यू yes. एक्साइज किसका रेवेन्यू सर मेरी सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे मेरी सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे दोनों किसका रेवेन्यू है साहब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सर अब यार जब मेरे को सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है ठीक है यार सर्विस टैक्स लग रहा है सर्विसेज पर एक्साइज लग रहा है गुड्स पर सर पर आप मुझे बताओ आज मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं मान लो अभी जीएसटी नहीं अभी हम का चल रहा है बेटा सर्विस टैक्स में मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उस पर क्या लग रहा है मालिक अरे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई सर्विस टैक्स अब मेरी सेल पे लग रहा है सर्विस टैक्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने आईपैड परचेज किया कैमरा परचेस किया लैपटॉप परचेस किया उनके परचेस भी क्या पे किया एक्साइज पे किया बेटा एक्साइज पे किया सर मैंने अल्टीमेटली ये सारे गुड्स काम आ तो सर्विसेज में रहना यार yes. क्या मैं इस कैमरा का एंड कंज्यूमर हूं क्या नहीं फर्द सप्लाई सर्विस इज यूजिंग दिस कैमरा एक्सेट्रा हा ना मालिक क्लियर yes, अब इस पर मैंने एक्साइज पे किया और मेरी सेल भी क्या लग रहा है बेटा सर्विस टैक्स एक्साइज किसको पे किया सर्विस yes, टैक्स भी किसको पे करूंगा yes, तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर yes, बिल्कुल मिलेगा सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी एंड सर गवर्नमेंट ने क्या बोला सर कि सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो बहुत हार दी रेवेन्यू ऑफ इसलिए आपने परचेस पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो सैनव क्रेडिट मिलेगा अच्छा मैं एक सर मैं कौन हूं बेटा मैं क्या बनाता हूं मार्केट बना के बेचता हूं है हाँ ना सर अब मार्केट बना के जो बेचा है क्या लगेगा इस पर एक्साइज लगेगा सर अभी मार्केट बनाने के लिए मैंने आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज ली आपसे कंसल्टेंसी लिया ये भी तो सर्विसेज कहाँ थी सर इन क्या पे किया मैंने सर्विस टैक्स अल्टीमेटली मेरी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा वो गुड्स गुड्स ली या सर्विस का पार्ट बनेगा अल्टीमेटली मार्केट की सेल प्राइस में वो सर्विस की मेरी जो कोस्ट वो भी तो एड होगी सर आप मुझे बताओ वो सर्विस टैक्स का क्रेडिट एक्साइज को पे करने में मिलना चाहिए मिलना चाहिए सर इसलिए परचेज पर एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो दोनों को क्या मिलेगा सैनवेड क्रेडिट और सर मेरी सेल पे लाइबिलिटी भले ही एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो दोनों क्रेडिट मेरे दोनों में काम आएगा हा है ना भाई इनफैक्ट yes. भूल जाना कि पे एक्साइज़ था या सर्विस टैक्स था, दोनों को एक ही अकाउंट डाल देंगे क्या नाम क्या होगा अकाउंट का सैनवेट क्रेडिट अकाउंट लाइबिलिटी एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो दैट अकाउंट कैन बी यूज्ड टू पे दिलिटी बेटा यस या नो पक्का पर वेट वेट किसका रेवेन्यू वेट किसका रेवेन्यू कौन पे करेगा वेट कौन पे करेगा वेट हम किसको पे करेंगे अरे क्लियर वेट किसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का तो सर हमने परचेज पे अगर वेट पे किया होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा वरना सर्विस टैक्स और एक्साइज का क्रेडिट वेट में नहीं मिलेगा क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट डन तो एक लास्ट लाइट लिख रहा हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए देखना ध्यान से आउट सॉरी एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स प्लस वेट ओके सर ठीक सर मैंने इनपुट परचेज किया कैपिटल गुड्स परचेज किया या इनपुट सर्विस परचेज किया कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह बेटा हाँ है ना सर कितने में हंड्रेड में उस पर क्या पे किया एक्साइज ड्यूटी पे किया और सर्विस टैक्स पे किया कितना टेन टोटल हंड्रेड एंड टेन सिंस सामने वाले से मैंने परचेज किया उसने बेचा बेटा क्या लगेगा वेट से फोर परसेंट ये हो गया क्या मेरा परचेज इन बच्चों ठीक है सर सर्विस टैक्स और एक्साइज मैंने पे किया उसका मैं क्या ले लूंगा बेटा कितने का बेटा टेन का वेट क्रेडिट अवेल्ड कितने का मालिक कॉस्ट हंड्रेड हो जाएगी ना सर क्लियर वैल्यू डिशन जल्दी बोलो अब तो याद हो गए ना सर आपको सब कुछ कितना होता है क्या बन गया बेटा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस सर्विसेज भी हो सकती तो है वेट लगता बेटा पे लगता है बच्चों हाँ ना भाई पर अभी example के मैं ले रहा हूँ वेट भी है सर उस पर गुड्स है मान लो ये क्लियर कितना होगा सिक्स पॉइंट वन सिक्स टोटल वन सिक्सटी पॉइंट वन सिक्स ये अपना गुड्स या सर्विस जो बेची उसका सेल इनवॉइस बन गया वन सिक्सटी पॉइंट वन सिक्स का जब मैं फोर्टीन रुपी पे करूंगा कैसे पे करूंगा मालिक यस yes. टेन का सैन यूज किया बैलेंस फोर पे किया सिक्स पॉइंट वन सिक्स कैसे पे करूंगा वन पॉइंट सॉरी फोर पॉइंट फोर जीरो वेट क्रेडिट यूज किया और बैलेंस वन पॉइंट सेवन सिक्स

यहां तक क्लियर कोई डाउट यहां तक ठीक अब मेरी बात नेक्स्ट ध्यान से एक मस्त वाला आपके लिए क्रिएट करता हूं बेटा सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर क्या बनाता हूं बेटा मार्केट से बनाऊंगा क्या लगेगा एक्साइज लगेगा सर सर मार्केट से बनाऊंगा तो क्या लगेगा एक्साइज लगेगा ये मार्केट बनाने के लिए मैंने क्या परचेस किया इनपुट परचेस किया इनपुट पे, पे सर्विस क्या लग रहा है बेटा वेट भी लग रहा है परचेज वेट पे, पे क्या होगा उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें अगर हम अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मालिक एक्साइज पे क्या हो परचेज पे सर्विस टैक्स पे क्या हो परचेज पे या वेट पे क्या हो पे सबका क्रेडिट मिलता है क्यू यस क्यूस क्योंकि सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और सेल पर वेट भी लग रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं सर्विस सेक्टर की बात करता मैं आपसे बिफोर जीएसटी सर सर्विस सेक्टर के केस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप उस पर क्या लगता है बच्चे service. अरे क्या लगेगा मालिक सर्विस टैक्स क्या सर्विसेज पर वेट लगता है क्या सर्विसेज पर वेट लगेगा नो no. अब सोचो टू प्रोवाइड द सर्विसेज मैंने कुछ गुड्स परचेज किया होगा कुछ सर्विसेज परचेज किया होगा कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा उनपे एक्साइज पे किया होगा सर्विस टैक्स पे किया होगा तो इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर तो सर्विस टैक्स और एक्साइज का तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा पर क्या वेट का मेरे को क्रेडिट मिलेगा सर अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या मेरे को वेट का क्रेडिट मिलेगा क्या सर क्यों नहीं क्योंकि आपको बताया सिक्स पॉइंट आपको फोर पॉइंट फोर का क्रेडिट क्यों मिला बेटा हाँ ना भाई आपको पता है दस का क्रेडिट क्यों मिला बच्चों यस yes no? नो मेरी सेल पे वेट लग ही नहीं रहा सर तो सर मैंने परचेस वेट पे किया होगा मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा सर पर परचेज पे एक्साइज पे किया सर्विस टैक्स पे किया क्रेडिट मिल जाएगा कोई डाउट इसमें सर नहीं थर्ड सेक्टर ट्रेडिंग सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सारा क्रेडिट मिल रहा है बेटा सर्विस इंडस्ट्री को सर्विस टैक्स और एक्साइज क्रेडिट मिलता है क्रेडिट नहीं मिलता नाउ आई एम अ ट्रेडर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जब गुड्स खरीद के बेचता है आदमी सर क्या लगता है खरीद के जब बेचेगा तब क्या लगेगा सर खरीद के जब बेचेगा तब क्या लगेगा वेट एक्साइज नहीं क्यों पे लगता है है मेरे मालिक I am a trader. क्या लग right. क्या लगेगा सर लग रहा है? आवाज नहीं आ रही सबकी सर। क्या सर्विस आई एम अ ट्रेडर मैंने अपने शोरूम में जो गुड्स परचेज किया उस पर एक्साइज पे किया मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली मार्केटिंग सर्विसेज ली एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली <coughs> अकाउंटिंग सर्विस ली सीए की सर्विसेज ली सर कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज ली सीएमए की सर्विस ली यू टेल मी सर्विस टैक्स पे किया क्या एक रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर नो वाई नॉट ऑन माई आउटवर्ड सप्लाई ओनली वेट इज बी चार्ज हाँ मैंने परचेस वेट पे किया होगा क्रेडिट मिल जाएगा पर एक्साइज सर्विस का क्रेडिट ट्रेडिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलता था वो पूरा उनकी कोस्ट का पार्ट बनता था बेटा अरे यस ए नो क्लियर तो आप सोचिए दुख देखना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्यादा लोड नहीं था उनको सर्विस टैक्स पे किया परचेस पे एक्साइज पे किया या वेट uh, पे किया सबका क्रेडिट मोटा मोटी तौर पे मिलता था बेटा क्लियर बट इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर दुख समझना आप ध्यान से इफ आई एम अ सर्विसेज़ भी क्या लगेगा बेटा सर्विस टैक्स सर्विसेस पे क्या लगेगा सर सर्विस टैक्स वेट नहीं लगता बेटा तो मेरे को क्रेडिट कौन सा मिलेगा सर सर्विस टैक्स और एक्साइज जाएगा वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा ओके okay, ओके okay. अब थोड़ा सोचते इसमें आगे बढ़ते हैं सर इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर गवर्नमेंट बोलती है क्या ये लैपटॉप अगर परचेज किया कैमरा परचेज किया आईपैड परचेज किया है इसके परचेज पे क्या पे किया तो एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा भाई वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा अब एक्साइज अगर क्रेडिट मेरे को लेना है तो परचेस बिल पर क्या लिखा होना चाहिए बेटा एक्साइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना यार अरे भाई मैंने जो परचेज किया है कैमरा उसके परचेस बिल पर क्या लिखा होना चाहिए एक्साइज तो तुम्हें तो वो क्रेडिट मिलेगा सर वेट लिखा होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा दोनों लिखा तो एक्साइज मिल जाएगा वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा हा है ना भाई अच्छा बिल पे अगर एक्साइज होगा तो क्रेडिट मिलेगा बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता है बेटा जो एक्साइज पे करता है एक्साइज कौन पे करता है मतलब सर्विस इंडस्ट्री के बारे में सोच देखना बेटा गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा हम बड़े खुश हुए अब मेरे को एक कैमरा परचेज करना है इस कैमरे के परचेज पे अगर एक्साइज पे किया होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा पर बिल पे क्या होना चाहिए बेटा बिल पे कौन लगा सकता है मतलब मेरे को एक कैमरा का अगर क्रेड लेना है तो आई शुड बाइड फ्रॉम मतलब अगर सोनी का कैमरा मैंने परचेस किया है तो उसका क्रेड लेने के लिए कहा जाना पड़ेगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा है पता है आपको बेटा गुरुग्राम आपको नहीं पता मेरे को पता बेटा सर सुनना जो आपको नहीं पता वो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं बेटा सर गुरुग्राम मान लो अब सोचो आप ये एक कैमरा लेने के लिए ये दस ए खरीदने के लिए ये सर लाइट वगैरह खरीदने के लिए सर एक आईपैड लेने के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए क्या मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा सर मैं चला भी गया बोला एक कैमरा दे बोला एक ट्रक भर के कैमरा दो मैंने कहा एक ट्रक भर के नहीं एक कैमरा बाहर निकल फटाफट भगा देगा मैन्युफैक्चरर भाई वो तो रिटर्न में काम कर रहे हैं क्या वो सर आप सोचिए प्रैक्टिकली सर बिफोर जीएसटी आप मुझे बताओ इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर मेरे को एक कैमरा खरीदना खरीद है एक ऐसे स्टूडियो लाइट खरीदनी है सर मेरे को ये सब परचेज करना है आईपेड वगैरह लैपटॉप परचेज करना है कहां से परचेज करूंगा आप मुझे बताओ सर आसपास के शोरूम से परचेज करूंगा सर मैं हा है ना सर आस पास से शोरूम पे अगर मैं गया इज अ ट्रेडर वो बिल पे क्या लगाया गया बेटा जिसका मेरे को क्रेडिट मिलता किसका है वो बिल पे मतलब जो है वो चाहिए नहीं जो चाहिए वो है नहीं डोंट लिंक इट विद लाइफ सर दिस इज आवर लाइफ वॉज बिफोर द जी है ना सर मैं लगभग 2010 से पढ़ा रहा हूँ सर्विस टेक्स एक्साइज और अभी जी एश्टी. सर 2010 से ये 10 का ग्रेड क्यों मिला 10 का ग्रेड क्यों मिला रोज पढ़ा रहा हूँ सर मैं बिलीव मी 2017 तक मैंने एक रुपये का क्रेडिट आज तक नहीं लिया सर 2017 तक बिफोर जीएसटी इतने गुड्स खरीदे होंगे डेफिनेटली चोरी तो की नहीं है सर <laughs> सर ओन <laughs> माय oh सर मान लिया ओ oh, oh, <laughs> सर <laughs> <laughs> देख के लगता नहीं सर पर आप मान लिया सर <laughs> किसी को बोलना मत ये कल मेट्रो से लिया है मैंने सर <laughs> ये ब्लेजर भी कल से मिला है मेरे को सर सुना ध्यान से बात को <clears throat> सर्विस बेटा सर्विस टैक्स बिल पे, पे लिखा था, था, था हमेशा वेट तो गवर्नमेंट ने मना नहीं क्या क्रेडिट देने के लिए सर वो तो प्रैक्टिकली मिल भी नहीं रहा था सर ट्रेडिंग इंडस्ट्री सर जितने ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मैंने आज तक कंसल्टेंसी दी थी बिफोर जीएसटी सबने में वो क्या बोला बताया बिल कम का बनाना क्या बोला सर बिल कम का बनाना क्यों बिल तो पूरा बनेगा मैं फीस पूरी लूंगा बोला आप फीस पूरी लेना पर कैश में ले लेना बिल कम क्यों पंद्रह परसेंट सर्विसीन परसेंट अगर टेन लेख का बिल लिखा फिफ्टी कितना होता 1 50, 000, है बेटा वन लेखि थाउजेंड पूरा कॉस्ट मेड होगा उनके क्यों सर्विस टैक्स का एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला ट्रेडिंग करने वालों का सर उन्होंने अगर मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स खरीद लिया ट्रेडिंग करने वाला कहीं नहीं कैसे खरीदेगा ना गुड्स यार वो मैं मान लो डिस्ट्रीब्यूटर बेटा क्या रो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कैसे खरीदता है मैन्युफैक्चरर से अब मैन्युफैक्चरर ने अगर डायरेक्ट गुड्स खरीदा है सॉरी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट गुड्स खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर ने उसने एक्साइज भी पे किया होगा वेट भी पे किया होगा बच्चा एक्साइज तो गया एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगेन वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता था मैन्युफैक्चरर को बिल कम का बनाना क्योंकि वेट का दिक्कत नहीं था उसको किसका दिक्कत था बेटा एक्साइज पूरा कॉस्ट में जुड़ेगा सर उसने बिल कम का बनाया तो ये भी बिल कम का बनाएगा क्यों वरना इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा इसको सर पूरी चेन करप्ट थी बेटा हाँ है ना क्यों क्रेडिट नहीं मिलता था हाँ सर ये मत समझना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत खुश थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हमने क्या बात करी एक्साइज क्रेडिट भी मिलता है वेट का भी मिलता है और सर्विस टैक्स का भी मिलता है पर सर उसके पास भी तो पर्चेस बिल पे एक्साइज लिखा होना चाहिए आप मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री है मेरे को मेरी फैक्ट्री के लिए चार ए सी खरीदने हैं क्या मैन्युफैक्चर पास जाऊंगा क्या क्यों मैं मैन्युफेक्चर हूं इसलिए <laughs> अरे मैं मैन्युफेक्चर तो क्या हो गया यार गुड्स तो आसपास से शोरूम से खरीदूंगा ना यार हाँ रो मटेल वगैरह हो सकता है मैं डायरेक्ट तो से कर यार क्लियर बाकी गुड्स तो मेरी फैक्ट्री में काम आती है हो सकता है मैं आसपास के शोरूम से परचेस करूं उसने बिल पर क्या लगा के दिया आ, सर वेट वेट का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा पर सर उस गुड्स पे कहीं ना कहीं एक्साइज लगा होगा सर अरे कहीं ना कहीं एक्साइज तो लगा होगा सर जिसके क्रेडिट के लिए एलिजिबल भी हूँ पर मेरे को क्रेडिट क्यों

वरना अल्टीमेटली क्या होगा कॉस्ट बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस बढ़ेगी सर हमारी और क्या होगा है हाँ ना भाई इसलिए तो गवर्नमेंट ने एक सपना देखा क्या देखा सपना को देखा नहीं बोला मैंने सर गवर्नमेंट ने एक सपना देखा और गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स कर दे नाम क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो सर भले मैन्युफैक्चरर बेचे या ट्रेडर बेचे या सर्विस सप्लायर बेचे क्या लगेगा परचेस yes. पे जीएसटी सेल पे जीएसटी क्लियर भले मैं परचेस करूं किससे ट्रेडिंग वाले से शोरूम वाले से या मैन्युफैक्चरर से या सर्विस सप्लायर से परचेस भी क्या लगेगा जीएसटी सेल पे क्या लगेगा सर yes. आप मुझे बताओ अगर हर बिल पर जीएसटी लिख के आया और हर बिल पे जीएसटी लग रहा क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेड होगा कि नहीं होगा सर अल्टीमेटली सर मल्टीपल टैक्स और इफेक्ट हो रहा था ड्यू टू इन इफेक्ट ऑफ ऑल कि नहीं होंगे सर और अल्टीमेटली अगर मल्टीपल टैक्स और इफेक्ट पूरी तरह से हट गया तो कॉस्टिंग भी कमाएगी सर कॉस्टिंग आएगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा सर और इन्फ्लेशन भी कम होगा तो मेरी अल्टीमेटली कम होगी सर एंड सर कस्टमर अल्टीमेटी फेयर टैक्स जाएगा फुल ट्रांसपेरेंट फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बेटा। हाँ है ना मालिक yes, ये सपना देखा और पता है ये सपना कोई नया सपना नहीं है बहुत पुराना सपना था सर ये राहुल की मम्मी ने देखा था सर सोनिया गांधी सर 2007 में देखा होता सर और उससे भी पहले देखा था सर क्लियर पर सर आया कब क्योंकि दम चाहिए पर अब उसके पीछे की स्टोरी क्या रही टू बी कंटिन्यू इन आफ्टर द ब्रेक एक ब्रेक ले लें सर पक्का तो फिर हम समझेंगे कि अब देखो अब जीएसटी की जरूरत आ गई सर अभी मैंने बताया नीड ऑफ द जीएसटी अब जीएसटी कैसे आएगा बात करेंगे ब्रेक के बाद पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर जो स्लाइड्स मैंने यहां लिखी है व्हाट विल डू ऑन डेली बेसिस जो मैं यहां लिख रहा हूं देखो अगर आपको लिखने की आदत है कि लिखते तो ही चलता है तो लिखो कोई तकलीफ नहीं मेरे को पर व्हाट विल डू डेली बेस पर ये जो स्लाइड्स है वी कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स और आप उसको घर जाके या ऑफिस जाके जब भी आपको टाइम मिलता है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो सर अच्छा बहुत सारी स्लाइड्स नहीं होगी सर ठीक है जहां फंडामेंटल आते हैं वहीं पर स्लाइड्स आती है बेटा पर फिर भी यहां हम लिखने का टाइम क्यों खराब करें अपना सर ठीक है सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम क्या करेंगे ये स्लाइड्स में रोटेट कर लूंगा यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स एंड इसको हम बाद में कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो सर मैं स्लाइड्स रोटेट कर रहा हूं यू कैन अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स एंड आपको कॉपी करना अच्छा मोबाइल में रहने की जरूरत नहीं सर हाँ ठीक है ओके जो भी वीडियो क्लास में प्लीज अ क्लिक ऑफ दिस जय चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच